दुर्जन जो कि है कालीकांत ठाकुर का खास, जिसका किरदार निभा रहे हैं प्रभाकर शर्मा। एक्साइटेड तो मैं बहुत ज्यादा हूँ, सारे ही आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं इसलिए ज्यादा उत्साही हूँ क्योंकि ये पहला शो एक ऐसा है जिसमें पहली दफा मैं प्रोमो तक आया हूँ और मेरा कैरेक्टर भी लगभग लीड के बराबर है, प्रोमिनेंट रोल है, और इसलिए भी क्योंकि श्री गुरुदेव भल्ला जी, डायरेक्टर जलद जी, श्री जलद जी, श्री आशुतोष राय, श्री अफाक खान जी, इन लोगों ने मुझे मेरी कद काठी को लेकर कई काम ऐसे थे जो मेरे हाथ से गए, क्योंकि उसमें जो एक्टर्स थे वो कहीं ना कहीं मेरी हाइट से मैच नहीं खाते थे, बट इन्होंने मेरे कद काठी के अंदर छिपी कोई ना कोई काबिलियत, किसी न किसी हुनर को देखा और फिर मुझे एक ये इतना बड़ा मौका दिया। तो एक्साइटेड बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट प्रोमो है मेरी लाइफ का एंड लीड रोल है, ये तो अभी तक मैंने सेकेंडरी एंड सपोर्टिंग कैरेक्टर सीखी है, चाहे फिल्म हो या वेब सीरीज हो या टीवी शोज हो। दुर्जन एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन बहुत ज्यादा मतलब हमेशा नेगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं इसमें एक हमदर्दी भी है जो इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए, और दूसरा ये अपने मालिक, अपने सरकार जो कि कालीकांत जी, उनके प्रति हमेशा सजग रहता है, उनके लिए काम करता है और उनके एक इशारे पर कुछ भी कर सकता है, उनको समर्पित है, और थोड़ा सा अजीबोगरीब टाइप का कैरेक्टर है, मतलब कभी ये हंस देता है एकदम से, कभी एकदम से चुप हो जाता है, और सिर्फ नेगेटिव नहीं, कहीं ना कहीं ये कॉमेडी भी करता है, लोगों को हंसाता भी है, कहीं एक इसका एक इमोशनल एक वो भी है, तो बहुत सारे वेरिएशन से वैसे ये नेगेटिव कैरेक्टर है और कहीं ना कहीं इसमें एक हमदर्दी है अपनों के लिए, जैसे मैं कहीं एकदम से हंसता हूं तो लगभग इस टाइप में, और बहुत मजा आ रहा है इस कैरेक्टर को करने में क्योंकि इसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा हैं और शो भी इतना ब्यूटीफुल है, एक तरफ आप कालीकांत फुली नेगेटिव कालीकांत जी, दूसरी तरफ दुर्जन जिसमें ये तरह तरह के वेरिएशन है, तीसरी तरफ जग्गू जागृति जिनके ऊपर शो बेस्ड है, वो बच्ची 7 साल की जिस जो पूरी तरह से पॉजिटिव है, श्री राम जी को मानती है, और फिर फैमिली के लोग जिसमें मेरी पत्नी भी है, कुछ रिलेटिव्स हैं, मेरे दो बच्चे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत मजा आ रहा है इस कैरेक्टर को करने के लिए, और ये अभिनय के इसमें मैंने बहुत सारे स्टाइल्स यूज किए हैं, गुरुदेव जी ने और डायरेक्टर जलद जी ने मुझे इस कैरेक्टर के बारे में पूरा बताया, और ये और शोज से बहुत अलग कैरेक्टर है। अगर हम बात करें तो शायद टीवी इंडस्ट्री में 90s की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी अभी पिछले कुछ सालों तक या अभी तक प्रेजेंट में, शायद टीवी इंडस्ट्री के इतिहास में शायद ये पहली बार एक ऐसा परफॉर्म या कैरेक्टर होगा जो एक इस तरह से निकलेगा। तो ये दुर्जन कैरेक्टर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हैं और हम वो सारी चीजें निकालने का की एक पूरी फॉर्म में है क्योंकि हमने इसकी काफी रिहर्सल्स भी की, डायरेक्टर एंड गुरुदेव सर ने मुझे काफी इस कैरेक्टर के बारे में बताया, और फिर अब मैं जो है शूट भी स्टार्ट हो चुका है, पूरे फॉर्म में हूँ, वेरिएशंस बहुत ज्यादा है इसलिए कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा। लुक ये है कि एक तो मेरा ये लुक है जो अभी आप देख रहे हैं, दूसरा जब जागृति एक बच्ची के रूप में थी, मतलब लगभग 2-3 महीने की बच्ची थी, तो उस वक्त मैं एक यंग एज में था और वो एक अलग लुक है, उसमें मेरा ये वाइट नहीं और ये तमाम चीजें कुछ नहीं है, ये दाढ़ी है और ये बालों को मैं ऐसे पोनी कर लेता हूँ यहाँ पर, बस एक टीका है, नॉर्मल मेकअप है, तो ये दो तरह के लुक है जी, बिल्कुल की है। मुझे एक फिल्म मिली थी शमशेरा, यशराज फिल्म्स की बहुत बड़ी फिल्म थी, 2022 में आई थी, तो उस कैरेक्टर को भी जीने के लिए मैंने जिस तरह से काम किया था सेम वैसे ही मेहनत मैंने इस उसके लिए की, क्योंकि ये बहुत
बड़ा प्रोजेक्ट है, जागृति एक बड़ा शो है और इस मेरा कैरेक्टर भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मुझे जब डायरेक्टर सर ने, जलत जी ने और गुरुदेव सर ने पूरे शो की ब्रीफिंग की और कैरेक्टर की ब्रीफिंग की, तो फिर अपने आप वो सारी चीजें आई। और हर एक्टर का, हर एक कलाकार का अपना एक स्टाइल होता है कि वो अपनी तैयारी किस तरह से करें। अब चूंकि ये नेगेटिव भी है, कहीं ना कहीं हंस भी देता है, कहीं ना कहीं उसमें काफी वेरिएशन है, तो मैंने उसी हिसाब से जो मेरा तरीका है जो मैं अपनाता हूँ वो मैंने शुरू किया। मैं कुछ दिनों तक धारावी एरिया में घूमा और मैं काफी दिनों तक सिर्फ ऐसे ही रहा बिल्कुल। और इसी चक्कर में जो है, कहीं मैं मार्केट में घूम रहा हूँ, सब्जी ले रहा हूँ, या मैं कहीं किसी मॉल में जा रहा हूँ, तो मैं हर लोगों को ऐसे ही देखता था बिल्कुल यूं। और कहीं ना कहीं जो है, दो चार लोगों से मेरी थोड़ी सी एक बहस भी हुई, क्योंकि उन लोगों को लगा कि मैं, मतलब उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप ऐसे क्यों देख रहे हैं, हमने क्या किया। कुछ ऐसे लोग थे गुंडाई टाइप के थे, तो उनसे एक झगड़ा भी होने वाला था, लेकिन फिर मैंने उनको बताया कि भाई मैं अपने कैरेक्टर को जी रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है। तो ये हुआ, मैं उस टाइप के गाने मैंने सुनना स्टार्ट किए, खलनायक, ये KGF के जो सॉन्ग थे थोड़े मोटिवेशनल टाइप के, और उसी टाइप से मैं अपने घर में वैसे ही बिहेव करता था। घर में खाना भी खाता था, तो मैं जो है, मैंने एक पत्तल की थाली घर में रख रखी है और उसी में जो है दाल चावल ये तमाम चीजें, और बकायदा उसी स्टाइल में जो है ऐसे बैठ के पूरा जाहिलों की तरह, मतलब जैसे, और उसी तरह मैंने खाना स्टार्ट किया ताकि ये सारी चीजें जो है मुझ में आ जाए और मैं कैरेक्टर को करने नहीं जीने लगूं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो मेरे दोनों बच्चे हैं बल्लू एंड हरीश, और फैमिली के और तमाम लोग। जागृति 7 साल की बच्ची, और आप परफॉर्मेंस देखिए उसका। किसी ने मुझसे कहा था कि आप एक्टर कैसे बने, तो मैंने उनसे कहा कि एक्टर बनता नहीं है, वो पैदा होता है। जागृति का जो रोल कर रही है जो बच्ची, और एक और बच्ची है उसके साथ, वो उससे भी छोटी है, उनका परफॉर्मेंस देखिएगा आप शो में, कमाल का है। और साथ में कालिकान जी, जिनसे मुझे एक अलग ही एनर्जी मिलती है, श्री आर्या बब्बर जी, हम दोनों की लगभग एक दोस्ती सी हो चुकी है, क्योंकि हम दोनों का स्वभाव लगभग एक जैसा है। बहुत कमाल का काम करते हैं वो। रिहर्सल में जब वो पहली दफा आए, तो थोड़ा सा मुझे लगा कि यार शायद उस वक्त वो किसी और मूड में होंगे, बट जब उन्होंने कैमरे के सामने काम किया तो जबरदस्त। सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब सारे लोग अच्छा काम करते हैं तो शो में खुद का काम करने में और मजा आता है। फैंस के लिए मैसेज ये है कि आप इस शो को देखिए, क्योंकि ये बहुत जबरदस्त शो है। और ऐसा भी नहीं है, ये शो काफी अलग है, लेकिन अलग होने का मतलब ये नहीं है कि ये किसी एक उम्र के लोगों के लिए, ये हर तरह के लोगों के लिए, बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी है, क्योंकि इस शो में जो एक्टर्स हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, वो अपने घर समाज में जो हर उम्र के लोग होते हैं, वो सारे लोग हैं। तो आपको ये शो देखिए, आपको इसको, आपका जो भी आपको लगे वो फीडबैक दीजिए। और यंगस्टर्स को कहना चाहूंगा कि सिनेमा को, टीवी को सपोर्ट करें और इस शो को देखें, ये बहुत अच्छा शो है, और मुझे उम्मीद है कि ये शो कामयाब होगा। जी हाँ, हम तो लेकर ही आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और अब तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम सेम है, सास बहू और बेटियाँ।